Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, very good. Looking very nice and fresh. Very nice. चले जी बताइए, कल जो हमने काम किया था वो कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? Very good. Very nice. इसका मतलब ये है कि हम अब क्या करेंगे? नया काम करेंगे. वेरी गुड जी, बिल्कुल नया काम करेंगे. पहले मुझे ये बताइए कि कल जो आपने एक्सरसाइज की थी, जो काम कंप्लीट किया था, आपने वो काम ठीक से किया था? मम्मा को दिखाया था? रीचेक कराते हैं अपनी मम्मा को काम? वेरी गुड जी. जब आप काम कंप्लीट कर लिया करें तो उसको अपने किसी भी एल्डर से या फिर अपने पेरेंट्स से रीचेक ज़रूर कराया करें जी, कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया. ठीक है जी, उसको चेक करवाया करें और उसके बाद जो है वो अपनी टीचर को फॉरवर्ड किया करें उसके पैक. ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का नया काम. आप क्या करेंगे? यस, अपनी बुक खोलेंगे. ओपन योर बुक, पेज नंबर 29 जी. साइंस की बुक खोलेंगे अपनी, क्योंकि साइंस का पीरियड है भाई, तो साइंस की बुक खोलेंगे. तो उसके बाद हमारे पास पेज आ जाता है 29, और 29 पे जो है हमारे पास एक्टिविटी वो मौजूद है, प्रैक्टिस की एक्टिविटी मौजूद है, जिसमें है अ चूज एंड राइट. यानी कि हमने यहाँ पे हमें मल्टीपल आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है और उसको यहाँ पे लिखना है जी. दो हमारे पास आंसर्स मौजूद हैं, हमें जज करा जा रहा है कि जी आपको आंसर सही से पता है या नहीं पता है, आपने चैप्टर सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज फौरन सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर आपकी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट रही है, सही से नहीं पढ़ा है, वीडियोस को बार बार नहीं देखा है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है ना. लेकिन कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हर वीडियो को बार बार देखते हैं, अच्छे से काम कंप्लीट करते हैं, है ना जी. चलें फिर करते हैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट. नंबर 1 पे है हमारा बर्ड्स हैव अ डैश बीक पॉज. बर्ड्स के पास क्या होती है? एक क्या होती है? यस, वेरी गुड. बीक. तो हम यहाँ पे बीक लिखेंगे. वेरी गुड बीक. बर्ड्स हैव अ बीक. वेरी नाइस. सेकेंड है कैट्स ईट डैश मीट ग्रेन्स. कैट क्या खाती है? मीट और ग्रेन्स. वेरी गुड मीट. वेरी नाइस. तो यहाँ पे लिखेंगे मीट. कैट्स ईट meat. Very good. A parrot has dash. Feathers or fur. Feathers. Very good. Feathers लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे feathers. A parrot has feathers. Very good. हमारे पास है fourth. A rabbit has dash legs. कितने लेग्स होते हैं भाई रैबिट के, जल्दी से बताइए. यस, अ रैबिट हैज फोर लेग्स. वेरी गुड. अ डैश कम्स आउट ऑफ एन एग. वेरी गुड. अ डैश कम्स आउट ऑफ एन एग. क्या फिर में क्या आएगा भाई? कौन सा आंसर सही है? बेबी हैन और ग्रेन्स. बेबी हैंस और ग्रेन. वेरी गुड. बेबी हैन. तो हमारे पास आंसर बनेगा इसका, अ बेबी हैन कम्स आउट ऑफ एन एग. वेरी गुड. चलिए जी, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पे. थिंक एंड राइट, यानी कि सोचना है पहले और फिर लिखना है. Complete these sentences, use the following words. यानी कि हमें जो है वो कुछ words दिए हुए हैं और उन words को जो है हमने use करते हुए अपने sentences को complete करना है. अच्छा जी, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से words मौजूद हैं. हमारे पास मौजूद है milk, baby, four, papa, white, dog, meat, वन. जी, इन वर्ड्स को हमने
यूज करना है और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। यानी कि पहला सेंटेंस इन्होंने हमें कंप्लीट करके दिया है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमारे पास, आई एम अ पपी, आई एम अ पपी, वेरी गुड। सेकेंड है हमारे पास आई एम अ डैश डॉग, आई एम अ डैश डॉग। ये कैसा डॉग है भाई जी? ये बेबी डॉग लग रहा है। यस आई एम अ बेबी डॉग। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये वर्ड्स ये मेरे, इनमें से हमने बेबी डॉग बेबी को निकाल लिया और यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया सेंटेंसेस, आई एम अ बेबी डॉग, वेरी गुड। हमारे पास तीसरा सेंटेंस है आई हैव डैश लेग्स, आई हैव डैश लेग्स। कितने लेग्स होते हैं भाई? वेरी गुड, फोर। तो हम यहाँ से सेंटेंस में देख लेंगे, यहाँ से वर्ड्स निकालेंगे फोर और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। लिखेंगे आई हैव फोर लेग्स, वेरी गुड। आई हैव डैश टेल, कितनी टेल होती है? यस, ऊपर लिखा हुआ भी है हमारे पास वर्ड्स में, तो हम निकालेंगे यस वन, आई हैव वन टेल, आई हैव वन टेल। माय कलर इज डैश, माय कलर इज डैश। जी ऊपर कलर्स दिए हुए हैं हमारे पास वर्ड्स में और नजर भी आ रहा है हमारे पास ये पपी डॉग, तो कौन सा कलर है भाई? यस वेरी गुड, ये है वाइट कलर, वेरी गुड। माय कलर इज वाइट। आई ड्रिंक डैश, I drink dash। ये क्या पीता है? हमारे पर वर्ड्स भी मौजूद हैं, ऊपर यूज करें। Yes, very good। Milk। I drink milk। I drink milk। इसके बाद है I eat dash। I eat dash। क्या खाता है भाई ये? हमारे पर ऊपर वर्ड्स भी मौजूद हैं। Yes, meat। Very good। I eat meat। I look like my dash। किसकी तरह से दिखता है ये? क्या हुआ भाई? वेरी गुड, अपने पापा की तरह से दिखता है। आई लुक लाइक माई पापा, वेरी नाइस। यानी कि हम जो हैं अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करते जा रहे हैं। लास्ट हमारे पास मौजूद है व्हेन आई ग्रो अप आई विल बिकम अ डैश। क्या भाई? यस जी, जब वो बड़ा हो जाएगा तो किसकी तरह क्या बन जाएगा? डॉग। यस आई विल बिकम अ डॉग, वेरी गुड। चले जी, हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं सी। जी सी एक्सरसाइज पे आते हैं, थिंक एंड मैच। अच्छा, हमारे पास यहाँ दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक है बेबी कैट की, ये है आई एम अ बेबी कैट, और एक है आई एम अ बेबी हैन, यानी कि एक चिक की हमारे पास पिक्चर मौजूद है और एक किटन की मौजूद है। और यहाँ पे हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें जो है सोचना है, समझना है और मैच करना है। जो करेक्टरिस्टिक्स, जो सेंटेंस जो है, जो खसूसियत जो है जिस एनिमल से बिलोंग करेगी, मैच करेगी, हम उसको मैच कर देंगे। जी हम उससे पेंसिल से मैच कर देंगे। तो देखते हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस एनिमल से मैच करती है। I have a beak, I have a beak। तो बताइए अब ये जो दो पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स से हमें मैच करना है। अब हम बीक किसकी होती है? चिक की होती है या कैट की? वेरी गुड जी, ये होती है हमारे पास चिक की, बेबी हैन की। तो हम इसको मैच कर देंगे बेबी हैन से। I have four legs, four legs किसके होते हैं? किटन के, बेबी कैट के। तो हम आई हैव फोर लेग्स को बेबी कैट से मैच कर देंगे। आई हैव टू लेग्स, टू लेग्स किसके होते हैं? वेरी गुड, बेबी हैन के। तो हम बेबी हैन से मैच कर देंगे। आई हैव फर ऑन माई बॉडी। जी फर किसके होते हैं भाई? कैट के। यस वेरी गुड, आप बेबी कैट पे कर देंगे। आई हैव फर ऑन माई बॉडी। आई हैव अ लॉन्ग टेल, टेल किसकी होती है? वेरी गुड, ये होती है बेबी कैट के। तो फिर आई हैव अ लॉन्ग टेल, हम मैच कर देंगे कैट से बेबी कैट से। आई हैव फेदर्स ऑन माई बॉडी, फेदर्स किसके होते हैं भाई? वेरी गुड, बेबी हैन के। तो हम इसको मैच कर देंगे बेबी हैन से। इस तरह से हमने मैचिंग कंप्लीट कर दी है ना भाई? वेरी गुड, हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, रिपीटेडली देखेंगे, और इससे क्या होगा, हमारे पास सारी एक्सरसाइजेज जो है हमें
अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे सारी एक्सरसाइज को और हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि टीचर जब हमें कॉल करेंगी तो हम बताएंगे कि आज हमने एक्सरसाइज की थी और हमने क्या समझा है इस एक्सरसाइज में, और क्या करेंगे इसकी पिक्चर जो है अपनी टीचर को भेज देंगे। कल हम मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।